बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम भी अल्लाह पाक का शुक्र से ठीक ठाक है। जो हर ये खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी खुशी से ईद मनाते रहिए। इसी तरह तो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बार बार ईद की खुशियाँ अता करे और आपको अपनों के साथ ईद मनाने का मौका दे। और जो मेरे बहन भाई परदेश में बैठे हैं हमें देख रहे हैं, तो उन सबको भी ईद मुबारक हो। अभी आमना आ रही है, देखे इसने फुल मेकअप किया। इसकी मेकअप की वजह से हम इतना लेट हुए भाई। करो, करो, तो अभी मेन डोर ओपन करते हैं। मैंने मेन डोर ओपन कर लिया। अभी आमना आ जाओ, कितनी देर लगाओगी गाइस? इतनी देर लगाती है ना। अभी रजिया को इसने सफा पकड़ा है। ये किस लिए लेके जा रही हो? ये नात है। नात है तो गाइस बच्चों को चेक करे। वो बच्चा बोतलें लेके आ रहा है, तो ये बच्चा खिलौने लेके जा रहा है। मेरे पीछे गायें आ रही है। लेकिन ईद का दिन है, ईद उल फितर का दिन है, लोग फिर भी अपने जानवरों का अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख लें। अभी हम जा रहे हैं ईद नमाज अदा करने। हम बाज़ार में आ चुके हैं। हमारी गली चेक करें कि इतनी गंदी है। तो गाइस यहाँ से वाटर सप्लाई का पानी जाता है, तो अभी हम तकबीर अदा करते जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वला इलाहा। तो अभी मैं थोड़ा सा कैमरे पर रह दूँगी। अभी जहाँ जहाँ से गुजरे आपको दिखाते जाएंगे। अभी हम इस बाज़ार से जा रहे हैं, तो फिर दूसरे बाज़ार से वापस आएंगे। तो अभी सामने से बहुत आदमी, मैं आपसे चेक करवाती हूँ। ये देख के बहुत रश है। तो अभी मैं कैमरा पकड़ती हूँ बंद, तो थोड़ी देर में आगे जाके आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइज उस रास्ते को हम क्रॉस करके इस रास्ते में आ चुके हैं। पीछे बच्चे हैं, काफ़ी रश है। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं। इस गली से मुड़ जाएंगे, फिर मस्जिद की तरफ जाएंगे। जब मस्जिद पहुँच जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम दुआ करते हैं औरतें हमसे लड़ाई ना करें, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं, हमारे गांव वालों को इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है। तो गाइस फाइनली इस तरफ से शुरू जा रहा है। फाइनली हम मस्जिद की बाजार में पहुंच चुके हैं। वहां मस्जिद है, आपको मीनार दिखाई दे रहे होंगे। फाइनली हम मस्जिद पहुँच गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो ईद नमाज वाली हाफजा है ना, वो अभी तक पहुँची नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ी देर अंदर ही बैठ जाते हैं। तो आदमी वगैरह दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं। तो चलिए, औरत आई नहीं, पता नहीं क्यों इस बार किसी ने ईद नमाज अदा करनी ही नहीं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी तस्वीर पर दी। ईद मुबारक। आंटी जी आ गई हैं। ये देखिए हमारे मोहल्ले की फेवरेट आंटी हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो बहुत प्यार से बोलती हैं। आप सबको भी ईद मुबारक कहेंगी। आंटी को मेरी तरफ सारे विवरण है ईद मुबारक। सारे ईद मुबारक। चलो आंटी की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। तो गाइस ये देखे आंटी बोल रही है, कहती है आदमियों का काम था ना, जब औरतें आ रही हैं तो इनको बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गए। मैं आपको मस्जिद का दूसरा कमरा चेक करवाती हूँ। आंटी जा रही है आदमियों को बाहर निकालने के लिए, तो मैं आपको दूसरा कमरा चेक करती हूँ। यहाँ पे आदमियों ने ईद नमाज अदा की थी, ये सफ़े वगैरह पड़ी हुई हैं। तो अभी हम इस कमरे में जाएँगे जहाँ हमने बचपन के दिन गुजारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कितने अरसे के भाई जहाँ आई हूँ। पिछली बार भी मैं ईद नमाज के लिए आई थी, लेकिन इस कमरे में नहीं आई थी। लेकिन इस बार आ रही हूँ। वहाँ पे हमारे पुराने जी पढ़े हुआ करते थे जब हम पढ़ते थे, तो अभी भी यहाँ पर पढ़े हैं। तो वहाँ पे तो जब मैं छोटी थी मैं यहीं पे कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। हमारे कारी साहब बहुत अच्छे हैं, मिजाज के भी, दिल के भी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया और हमें पढ़ाया। अल्लाह का शुक्र है, उनका भी शुक्र है। उन्होंने हमें जो कुरान पाक की तलीम अदा करने का मौका दिया और हमें सिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम आगे किसी को भी पढ़ा सकें। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हमारी रेलें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये देखें कारी साहब आ चुके हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो चलिए आप कारी साहब को ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारी, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। तो वीवर जी जे हमारे कारी साहब हैं। गाइस फाइनली जिस कमरे में हमने ईद नमाज अदा करनी है उस कमरे में हम जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कमरा है, आपके साथ शेयर करते हैं। जहाँ पे हम आया करते थे, जैसा कि आपको बताया हमने कुरान पाक की तलीम इस मस्जिद में ही अदा की है कारी साहब से। ये मेन स्विच लगा हुआ है। तो गाइस अभी तक हमारा स्पीकर ठीक नहीं हुआ, तो अभी सब औरतें काफ़ी सारी जमा हो चुकी हैं। तो अभी हम पर वैसे ही ना स्पीकर के बिना ही ईद नमाज अदा करते हैं। ईद नमाज भी अदा करेंगे और नाते हम स्पीकर के बिना उठ पड़ेंगे। और ये सफ़ा मुझे वहाँ नीचे गिरा हुआ मिला है, तो सब इस पर पैर रख रहे थे, तो मैंने उठा लिया। तो
अभी मैं आमना थोड़ी सी नात ऐसे ही पड़ेगी, तो चलिए अभी छोड़ते नफल अदा कर रही हैं, तो नफल अदा करने के बाद में नाते पढ़ते हैं। अभी हाँ मौलवानी साहबा जो है उन्होंने नफल अदा कर लिए हैं, अभी वो जो है नाते वगैरह पढ़ेंगी और हम भी उनके साथ ही पढ़ेंगे, तो चलिए। वगैरह पढ़ ली है, तो अभी मेरी दोस्त मेरी तरफ आ रही है और मुस्कुरा रही है, तो मैंने शुरू कर लिया। अभी हम ये नमाज अदा करेंगे, सब होते हैं, मैं कैमरा नहीं घुमा सकती, तो आई एम सॉरी, मैंने सोचा था सबको दिखाऊंगी पर वो सब बुरा मान जाएंगी, इसलिए मैं उनको नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए हम ईद नमाज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे बैठ के मैंने ईद नमाज अदा की थी और यहाँ पे बैठी हूँ, अभी सब ने ईद नमाज अदा कर ली है, तो अभी सबसे मिलते हैं गले, फिर घर चलते हैं। हम भी पढ़ ली है तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं, वो भी चलते हैं, तो चलिए तो अब हम चलते हैं। आप में से जिसने ईद नमाज अदा किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन औरतों ने भी कर लिया वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम अपने जूते ढूंढेंगे। ओए होए मेरे जूते का तो बहुत ही गंदा हशर कर दिया इन्होंने, चेक करें, मैं घर से पहन के आई थी, बहुत ही अच्छा था। मैं आपको और भी दिखाती हूँ, ये देखो किसकी जूता जो चोरी हो गया, किसका जूता चोरी हुआ, मिल गया। तो अभी हम अपने घर जा रहे हैं, रास्ता हमने बदल लिया और ये हम शॉप है, ये शॉप है, बहुत ही अच्छी शॉप है, अगर आप में से किसी ने खरीदारी करनी है तो शॉप पे कर ले। तो अभी लेडीज का रश बहुत ज्यादा है, तो अभी हमारा रास्ता जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। इसका शूज चेक करें, भला जब ये गिरी तो गिट्टा निकल ही जाएगा ना साथ साथ, चेक करें इसका शूज। तो वहाँ पे अंकल है, मैं भाग जाती हूँ। अभी हम अपने घर की तरफ आ चुके हैं, अभी हम फाइनली नमाज पढ़ के आ चुके हैं। तो गाइज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।